गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास वीडियो वी डिस्कस्ड फूड फ्रॉम प्लांट्स, ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस्ड अबाउट फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हम एनिमल्स से, जानवरों से या जंतुओं से कैसे फूड प्राप्त करते हैं, कैसे फूड को प्राप्त करते हैं, कौन से फूड का यूज करते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। सम ऑफ द फूड्स वी ईट केम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ फूड, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसे हम खाते हैं, वह एनिमल्स से आता है, जानवरों से आता है। ओके, डिफरेंट फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर एज फॉलो। करें कि हम भिन्न प्रकार के भोजन, विभिन्न प्रकार के भोजन को एनिमल से प्राप्त करते हैं, जो कि निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है। ओके, फर्स्ट है मिल्क। मिल्क तो आप लोगों ने सुना होगा, ओके, मिल्क का यूज भी करते होंगे, मिल्क पीते होंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। मैमल्स सकल मिल्क टू देयर यंग वन। करें कि जो मैमल्स होते हैं, मैमेलियंस होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वह अपने यंग वन का, अपने छोटे बेबी का, छोटे बच्चों का पालन मिल्क से करते हैं या उनको दूध पिलाते हैं। सकल्स मिस होता है दूध पिलाना, ठीक है, दूध पिलाते हैं। ओके, ह्यूमंस फाउंड मिल्क ऑफ सम मैमल्स सुटेबल एज देयर फूड। कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो है, मानव जो हैं, वह मिल्क को प्राप्त करते हैं कुछ मैमल्स से, जो कि उनके लिए सुटेबल होता है, उचित होता है। ओके, भोजन के लिए उचित होता है, उनके दूध का उपयोग करते हैं। जितने मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, साथ ही साथ जो ह्यूमंस होते हैं वो मिल्क, अपने फूड में मिल्क का यूज करते हैं कुछ मैमल्स का। डैट इज जैसे कि काउ हो गए, काउ, गोट, सीप एंड बुफेलोज आर सम कॉमन मिल्क एल्डिंग एनिमल्स। करे कि जो गाय है, काउ है, गोट है, सीप है एंड बुफेलोज हैं, ये कॉमन, सामान्य जो है मिल्क देने वाले जानवर हैं, एनिमल्स हैं। ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट। जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनको क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट। हियर काउ आपने देखा होगा, बुफेलो देखते ही हैं, गोट देखते ही हैं। ओके, ये सारे कैसे हैं, मैमल्स हैं, दूध देने वाले एनिमल्स हैं। ओके, सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब दूध को दही में चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ओके, मिल्क कैन आल्सो बी कर्डल्ड बाय एडिंग सम लेमन जूस और विंगर टू मिल्क। कह रहा है कि जो मिल्क है, दूध जो है, वो दही में परिवर्तित हो सकता है लेमन जूस के ऐड करने से या सिरके को मिल्क में ऐड करने से। कह रहा है कि बैक्टीरिया तो दूध से दही में, दूध को दही में बदलते ही हैं, साथ ही साथ जो दूध दही है, वह उसमें दूध में लेमन जूस को, जो नींबू का रस होता है उसको, और सिरका होता है, विंगर होता है, उसको मिल्क में डालने से भी दही में वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चीज जो पनीर है, बटर, मक्खन एंड घी आर आल्सो द मिल्क मेड प्रोडक्ट। चीज, बटर एंड घी आर आल्सो मिल्क मेड प्रोडक्ट, ये भी सब कैसे हैं, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट हैं। ओके, हियर मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एड डिफरेंट एनिमल्स पार्ट्स टू देयर फूड। करे कि बहुत सी जनसंख्या, मोस्ट पॉपुलेशन बहुत सी जनसंख्या ऑफ द वर्ल्ड, संसार के या विश्व के बहुत से जनसंख्या जो है वो ऐड करते हैं डिफरेंट एनिमल, बहुत से जानवरों के पार्ट्स ऑफ फूड,
जानवरों को अपने भोजन के रूप में यूज करते। संसार की बहुत सी जनसंख्या ऐसी है जो कि अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के जानवरों के पार्ट्स भाग को यूज करते हैं। ओके, एनिमल्स विच प्रोवाइड मीट एंड एग आर कॉल्ड पोल्ट्री। कह रहे कि वे एनिमल्स जो हमें मीट और मांस और एग अंडे प्रोवाइड कराते हैं, क्या कहलाते हैं? पोल्ट्री, पोल्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन। जो पोल्ट्री प्रोडक्ट होते हैं वह रिच होते हैं किसके मात्रे में? प्रोटीन की मात्रा उसमें क्या होता है? अधिक पाया जाता है। पोल्ट्री प्रोडक्ट में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ओके, एग्स, एग के बारे में जानते हैं। एग्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर ईटेन इन डिफरेंट रीजन। कह रहे कि जो एग्स होते, विभिन्न प्रकार के एग, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का जो अंडा होता है वह विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में खाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हेन, डक, गूज एंड टर्की, ये सब क्या है? एग देने वाली बर्ड्स हैं। ठीक है, चिड़िया हैं। हेन आप देख रहे हैं, हेन है, यहाँ एग बना हुआ है, एग एंड इट्स हेग, हेन एंड इट्स एग। ओके, नेक्स्ट है मीट, जो मांस का यूज होता है। एनिमल्स एनिमल फ्लेश ईटिंग एज फूड इज कॉल्ड मीट। कह रहा है कि जो एनिमल्स के मांस को खाया जाता है वही क्या कहलाता है? मीट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सीप, गोट, काउ, बफेलो, पिग, इटीसी, ये सारे जो हैं वह मांस यूज करने वाले एनिमल्स हैं। मतलब इनका, इन एनिमल्स का फ्लेश, मांस जो होता है वो भोजन के रूप में ह्यूमंस करते हैं। ओके, ये जो दिया हुआ है आपका, विभिन्न एनिमल्स के फ्लेश को, मांस को यहाँ रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है फिश। फिश फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक, रिवर आर कैच फॉर फूड। कह रहे कि जो फिश होती हैं उसको पॉन्ड से, तालाब से, जो झील है, नदी है, उनसे क्या करते हैं? भोजन के लिए पकड़ लेते हैं। अदर वाटर एनिमल्स लाइक प्रॉन, मॉल एंड क्रैब आर आल्सो ईटन। करें कि अन्य जो वाटर एनिमल्स हैं, जलीय जीव हैं, जैसे कि प्रॉन हो गया, मोलस्का हो गया, मोलस्का जिसे घोंगा है, सीपिया है, इन सब के, क्रैब जो केकड़ा है, ठीक है, इन सब का यूज करते हैं खाने के लिए। इनको भी खाते हैं। ठीक है, इनका भी उपयोग खाने में करते हैं। यहाँ आपका दिया हुआ है प्रॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसको आप लोग झींगा टाइप बोलते हैं, वो सारे हैं। ये आपका सीपिया है, मोलस्क है, घोंघा आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हनी। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाई बी। कह रहा कि जो हनी होती है, शहद होता है, वह मधुमक्खी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। कह रहा इसमें शुगर की मात्रा पाई जाती है, वाटर की मात्रा पाई जाती है, पोषक तत्व तो मिनरल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। ओके, बीज सक द नेक्टर, नेक्टर मींस होता है स्वीट जूस, फ्रॉम द फ्लावर्स एंड वोमिट इट इंटू द सेल्स। कह रहा है वोमिट मींस उगल देते हैं। पहले तो वो फ्लावर से नेक्टर को, उसके रस को, उसके जूस को सक करती हैं, सक करती हैं, चूसती हैं, फिर वह अपने सेल में, जहाँ उनका सेल होता है, हनीकॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, वहाँ क्या करती हैं? वोमिट कर देती हैं, वहाँ उसको उल्टी कर देती हैं। ठीक है, हियर यह दिया भी है हनीकॉम्ब। आप हनीकॉम्ब वेयर इट इज कवर्ड इनटू, कन्वर्टेड इनटू हनी। कि वह तो पहले फ्लावर से स्वीट जूस को, नेक्टर को सक करती हैं, फिर उसको अपने हनीकॉम्ब में, छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में उसको वोमिट कर देती हैं, उसको उल्टी कर देती हैं, और वहाँ जहाँ पर इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? हनी में। जहाँ उसको कन्वर्ट करती हैं हनी में, शहद में। पीपू सिक्यूज द हनी कॉम्स टू गेट हनी। जो पीपुल होते हैं, लोग होते हैं,
अब इस हनी कॉम्ब को मधुमक्खी के छत्ते को छत्ते से हनी प्राप्त करने के लिए इसको क्या करते हैं, निचोड़ देते हैं, तोड़ लेते हैं। ओके क्लियर। हनी कॉम्ब आप देख रहे हैं मधुमक्खी का छत्ता, और यहाँ से जो पीपुल होते हैं, लोग होते हैं, उससे हनी निकाल के अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, हनी है। ओके क्लियर। सम क्वेश्चंस, यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको लिख कर और सेंड करना है अपने कॉपी में। आप इन क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, राइट कीजिएगा और सेंड कीजिएगा। कुछ इनका कुछ आंसर आपके इसी वीडियो में मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है इससे पहले वाले वीडियो में मिलेगा। आप दोनों वीडियो केयरफुली देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए मील। ठीक है, भोजन क्या है, जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा। व्हाट इज ए मील। व्हाई डू वी ईट फूड, हम भोजन क्यों करते हैं या भोजन क्यों खाते हैं। व्हाई देयर इज ए वेरिएशन ऑफ फूड कल्चर इन डिफरेंट रीजन। डिफरेंट रीजन में, विभिन्न रीजन में विभिन्न प्रकार के भोजन भोजन में या खाद्य पद्धति में भिन्नता क्यों पाई जाती है, वेरिएशन क्यों होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सबस्टेंस चेंज टू विटामिन ए इन आवर लीवर। इसको भी डिस्कस हम किए थे, आपके पिछले वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम एनी टू मिल्क एल्डिंग एनिमल्स। अब दो मिल्क एल्डिंग एनिमल्स, दूध देने वाले जानवरों का नाम लिखना है, जो कि इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर आप दीजिएगा, लिख के सेंड कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आई उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके आंसर को दिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप दीजिए। ओके स्टूडेंट्स,